मैं अभी गोंडा है, बलरामपुर है, बहराइच है, अम्बेडकर नगर है, इन जनपदों में परीक्षा को हम कैसे सुचारू रूप से लाए। 7 फरवरी से हमने शुरू करी है और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना होने जा रही है माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो परीक्षा है उसमें, क्योंकि पहले 2.5 महीने परीक्षाएं चलती थी, लाखों नहीं कई कई 100 करोड़ रुपए खर्च होते थे। केवल 1.5 साल में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पाए हैं। आज़ादी के बाद से चलने वाला पाठ्यक्रम जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी या इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते थे उनके हर जिले का अलग राइटर हुआ करता था। एक बहुत बड़ा धंधा होता था कि जिसको देखो वही मनमाने दाम पे किताब छापता था, मनमाने दाम पे बेचारे विद्यार्थी को खरीदना पड़ता था, कोर्स शेड्यूल हो ना हो, लेकिन उसको जब परीक्षा होती थी, परीक्षा परिणाम आता था तो इलाहाबाद बोर्ड, जो प्रयागराज बोर्ड हमारा हो जाएगा जल्दी, मैं इसके लिए प्रस्तावना लाने जा रहा हूँ, तो उसके विद्यार्थी जो थे इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उनको 60-65 नंबर मुश्किल से मिलता था। और जो CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड या अन्य दिल्ली बोर्ड होते थे NCERT के पैटर्न पे, वो 90-95 नंबर पाते थे। BCOM BSC के परीक्षाओं में उनका, भाई बंद करके आया करो, इसका